कहते हैं कि मिसबाह उलक बड़ा कूल माइंडेड है, ग्राउंड में भी कोई इमोशंस शो नहीं करता, लेकिन इमोशंस हमने आपके देखे जब पाकिस्तान आखिरी जो मैच था उसमें आप सजदे में गिर पड़े, आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए, खुशी के आंसू, फतह के आंसू, ये इमोशंस क्यों नहीं शो करते? और लोग उसकी वजह से समझते हैं कि ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं डल किस्म का इंसान है। देखें, बात यह है कि हर इंसान की एक अपनी फितरत होती है, हर इंसान का एक अपना अपनी जिसको कहते हैं कि नेचर होती है, और मेरी नेचर ऐसी है तो मैं उस तरह रहता हूँ। और मेरे ख्याल में लोग मुझे, अब तो खैर मैंने कई चैनलों पे सुना है कि लोग कहते हैं कि जी मिसबाह उलक लेजी हैं, और मुझे अफसोस हुआ है ये चीज़ें सुन के कि एक लेजी आदमी पिछले 12 साल से 13 साल से कप्तानी कर रहा है पाकिस्तान ए की, रीजन की, डिपार्टमेंट की, उसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, उसने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की, उसके बाद उसने एमबीए किया, उसने साथ क्रिकेट खेली, पाकिस्तान का कप्तान है। मतलब है, अगर एक लेजी आदमी ये कर सकता है तो मैं लेजी ठीक हूँ भाई। अच्छा, मतलब है कि अगर आप ऐसे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक जो आप टीवी पे एक अपना एक चीज दिखाते हैं, जो अनड्यू छलांगे लगाना जी कैमरे पे आके और इमोशंस खामखा की शो करना, उस चीज से अगर आप एक्टिव नजर आते हैं तो वो मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी नेचर नहीं है। लेकिन जहां तक रियलिटी का ताल्लुक है तो अगर आप देखेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जिसके लिए जो मैंने करना है वो मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान टीम में इस साल में अगर आप रन आउट देखें तो शायद मेरे रन आउट सबसे ज्यादा होंगे। मुझे पता है लेजी आदमी है, वो कैचेस भी ले रहा है, वो रन आउट कर रहा है। मतलब लेजी की क्या डेफिनेशन है? एक अगर बंदा सुकून से खड़ा है ग्राउंड में और वो खाम खा इधर उधर दौड़े नहीं लगा रहा तो आप उसको लेजी कहेंगे? वो समझ रहे हैं। और उसने अगर ये कुछ किया अपनी जिंदगी में तो उस पर आप लेजी का लेबल लगा देंगे और उसको